नमस्कार जी, मैं हाँ थोड़ा अपना बलविंदर हाली ते तुसी देख रहे हो पंजाब डायरी। पंजाब दे नामवर गायक सिद्धू मूसे वाला नू गैंगस्टरां वल्लों कतल कर देना, ये खबरां असी रोज़ देख रहे हैं। पर इस खबर दे पिछे एक बहुत वड्डी खबर है जिहड़ी कि देश दियां खुफिया एजेंसियां, पुलिस ते इंटेलीजेंस नू पूरी तरह फेल करती है। वह है इस कतल लई पूरी ताम झाम दे नाल गैंगस्टरां वल्लों आउणा, ते खास तौर ते AN-94 असाल्ट राइफल लैके आउणा ते इस दे विच वरते जाणा। 37 इंच यानी 3 फुट तों वड्डी ये राइफल रशिया दी बनी हुई है, ते रशिया ने हाले तक वो किसी नू भी सप्लाई नहीं कीती, वेची नहीं, ते उस दी तकनीक भी सिर्फ हाले तक उन्हां कोल ही है। उस राइफल दा भारत विच आउणा, फिर उसनू चलाउण दे पिछे तकनीक वरतनी गैंगस्टरां वल्लों, ये हथियार वरतना एक चिंता दा विशा ही नहीं, बहुत वड्डा गंभीरता दे नाल जांच दा विशा भी है। सिद्धू मूसेवाला दी मौत लई इस तरह दे हथियार वरतने इस गल दा सबूत आ कि गैंगस्टरां नू ये पहला ही इलम सी, पता सी कि सिद्धू कोल भारी ते आधुनिक हथियारां वाली सुरक्षा, वो फुली लोडड गन अपने कोल रखदा ते उहदे कोल बुलट प्रूफ गड्डी आ, इसलिए वो इस तैयारी दे नाल आए सी। ते ये कह देना कि पंजाब सरकार वल्लों सुरक्षा वापस लैण करके ही सिर्फ उसका कतल होया, ये गलत आ। पर इस सब कुछ दे बावजूद एडा वड्डा तामझाम लैके पंजाब दे विच घूमना गैंगस्टरां वल्लों शरेआम, ते घल्लूकारा दिवस होण दे बावजूद जगह जगह पुलिस दे नाके होना, इस गल ते प्रश्न चिन्ह लाउंदा, सवाल उठाउंदा कि यह सब किवें हो गया। ते रशिया विच्चों समगल हो के आई ये गन मानसा दे विच पहुँच के किस तरह वरती गई, आओ इस बारे होर जानकारी लैंदे हां सीनियर पत्रकार जसवंत जस तो। जिहड़े कहिंदे 20 दर्जन दे करीब हमलावर सी जिन्हां ने पिंड जवारका नेड़े मानसा जिले च सिद्धू मूसेवाला दा कतल कीता, तां हमलावरां वल्लों जिहड़ी उत्थे राइफल वरती गई हैगी है उह इह पता लगा कि उह AN-94 सी जिहड़ी रशियन मेड हैगी है, जिहड़ी डॉक्टरां ने पोस्टमार्टम कीता उस तों तां इस गल दी पुष्टि हो ही गई है कि जिहड़े उत्थे 25 राउंड फायर उहदी बॉडी चों मिले है वो AN-94 चो ही होए सी। ये रशिया ने मतलब 1980 शुरू काम किया, 94 जी बन के तैयार हुई है रशियन फौज वालों, ये जी राइफल यूज़ की जाती है असॉल्ट राइफल हैगी है, तो यह बड़ी आधुनिक मतलब तरीके की हैगी जिस गैस की भी वरतों होंगी है। फिलहाल इनू कल्ली दुनिया के रशियन फौज है जी, इतों की फैडरल फौज है उही इस राइफल नू यूज़ करती है, और उन्होंने ये राइफल दुनिया के किसी भी होर मुल्क नू हजे तक मतलब नहीं वेची हैगी, जहाँ राइट्स नहीं दते है, तो जी भारत च राइफल आई है ये कोई तस्करी हो के जो उस तरह पहुँची है, तो ये मतलब इन्नी मतलब कह लो शक्तिशाली राइफल हैगी है कि 1 मिनट के 600 फायर कर मतलब रखती है, और इनू 16 मिनट लगातार चल सकती हैगी है। आम तौर पर राइफल चलती वो बैरल आ जी गर्म हो जाती है, पर ये लगातार 1800 फायर कर सकती है, और नैचुरली ये जंग के मैदान च वरतन लई बनाई गई सी, पर इत्थे जी गैंगस्टर ने हैगी वो सिद्धू मूसेवाला नू मतलब कतल करने लई वरती हैगी। जे आप देखिए जी एड्डी वड्डी राइफल नू लैके आना ते पुलिस दे नक थलों दी लंघ जाना और एड्डा वड्डा ताम जाम लैके आना, इन किवें देखदे हो कतल लई? वेखो एक गल तो यह है कि जिहड़ा सिद्धू मूसेवाला कतल होया वो बहुत वैल प्लान्ड तरीके नाल होया एक तरह, क्योंकि वेखो AN-94 राइफल लैके आउण दा मतलब यह हैगा कि हमलावरां नूं पता सी कि सिद्धू मूसेवाले कोल बुलट प्रूफ गड्डियां, उहदे कोल 4 सरकार दे कमांडो भी हैगे आ, कुछ उहदे निजी कमांडो भी सी, पर उन सिद्धू मूसेवाले कोल भी ऑटोमैटिक हथियार सी, जां उह उहदी फेसबुक ते उहने इक ट्वीट भी कीता कि वह हमेशा गन लोड करके रखदा आपदी, तां उह इस तैयारी च आए सी वी जे सिद्धू मूसेवाल बख्तरबंद गड्डी च भी हुंदा जां मतलब भी वह
इस तरह की गड्डी होगी जिते गोली नहीं बज सकती जो सिक्योरिटी होगी उस हालात च भी उन्होंने वो मारन की तैयारी करके आए थे और जिद सफल होए आ। यह वक्री गल आ कि उदों दे कोल जिहड़ी गड्डी हैगी बुलेट प्रूफ वो है नहीं सी, पर इस हमले तो मनिया जा सकता कि भी जे बुलेट प्रूफ गड्डी भी होंगी तो वह इस गल की भी तैयारी करके आए थे, क्योंकि जी AN-94 राइफल हैगी है जे बुलेट प्रूफ गड्डी होंगी तो इन्ना सौखा सिद्धू मूसे वाले नूं कतल करना नहीं सी हैगा। उहदे कोले कुछ बेस्ट ऑप्शन सी कि वह मतलब आपका सेफगार्ड गोली चलाउंदा उहनूं मौका मिल सकता सी जां वह मौके तो भज भी सकता सी, क्योंकि लगातार उहते फायरिंग करनी पैनी सी फिर बख्तर बंद जां गड्डी जां कितें टुटनी सी उह, पर इह जिहड़ी उहनां दी कोई रैकी आ जां कोई उहनां दी इस तरह दी इनफॉर्मेशन सी उह मतलब भी उन्होंने पिंड दे बाहर जाके जिते उन्होंने जल्दी कोई सिक्योरिटी जां कोई हैल्प नहीं मिल सकती जां जिते उहदे कोई बाकी साथी नहीं आ सकते उत्थे दा मर्डर होया और नैचुरली स्टेट दा फेलियर और उन्होंने जी एक गैंगस्टर हैगे उन्होंने एक बड़े वैल प्लान तरीके नाल इस घटना नूं अंजाम दिता हैगा कि उन्होंने इन्ना स्टडी सी सारे केस बारे भी सानूं ये हथियार की लोड़ हैगी है वो हथियार लैके आए इन्ने वड्डे हथियार नूं 3 फुट तो उपर लंबी हैगी है इहनूं लैके लगातार गड्डी 'च फिरना हथियार लैके लगातार फिरना खुफिया एजेंसियों का पुलिस का सुरक्षा एजेंसियों का 100% फेलियर है। नंबर एक तो यह है भी जी राइफल साढ़े देश बनती नहीं हैगी, साढ़े देश ने कभी दूजे मुल्क तो मंगवाई नहीं, वह गैंगस्टर को किमें पहुँच गई। एक AN-94 राइफल अजे तक भारत को सप्लाई नहीं की रशिया ने, तो वह भारत की फौज को नहीं हैगी, सुरक्षा एजेंसियों को नहीं हैगी, पर वह गैंगस्टर को हैगी है। ये बहुत पता लगता कि स्टेट का कंप्लीट फेलियर है। सैकेंड यह है कि बंदे हैं पता नहीं कितों चले कितने आए, तुम उन्होंने वेखो वह बंदे पहला मानसा च वेखे गए है, फिर वो धर्मकोट नेड़े गड्डी गुड्डी खोई गई उत्थे भी वेखे गए है। 200 किलोमीटर बंदे इन्ने शक्तिशाली हथियार लैके घूम रहे हैगे है और जिहड़ा घल्लूघर दिवस उस सिर ते हैगा जिहड़ा दरबार साहब ते हमला होया सी 6 जून नूं उहदी बरसी हैगी है। तो यह जे हालात च वेख्या जा सकदा कि जिहड़े पुलिस नाके है जां जिहड़ी पुलिस की चौकसी है वह महज़ खाना पूर्ति जां पेपर वर्क आ, एक्चुअल च किते नहीं हैगी, नहीं तो यह पॉसीबल नहीं सी कि बंदे मतलब इन्ने खतरनाक हथियार लैके और जिहड़ा बंदा हिट लिस्ट ते हैगा उहदा उह पिछा करदे करदे उहदे मगर तक पहुँच गए। नैचुरली एजेंसियां दा तां बहुत वड्डे पद्धर ते फेलियर हैगा। एक गल इहदे च होर आ जिहड़ी बड़ी इंट्रस्टिंग हैगी है कि रशियन गन जिहड़ी साडे देश च अजे तक आई नहीं, जिहड़ी फुली ऑटोमैटिक गन हैगी है और उहनूं बड़ा तकनीकी पक्ष हैगा जिहड़ा उहदे चलाउण दा एनसाइक्लोपीडिया हैगा भी गैंगस्टरां ने यह हथियार चलाउण दी ट्रेनिंग कित्थों लई। वेखो उहनां ने हमला कीता, हमले च 100% सक्सैस रहे आ, इन्नी शक्तिशाली गन के जो गुआढ़ियों ने कंधा भी पाट गई उ 9 इंच की कंध में भी क्रॉस किए है भी ये गल भी एक इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा होनी चाहिए है कि गैंगस्टर को पहली गल हथियार पहुँचे किमें, नंबर दो उन्होंने ट्रेनिंग दिती कि नहीं। तो एक तरह का ये पंजाब जोड़ा है अंडरवर्ल्ड वर्गा माहौल बन रहा कि विदेशी हथियार ना पुलिस को ना फौज को पर गैंगस्टर को है और उन्होंने चला फुल फ्लैश पूरा तजर्बा उन्हों, क्योंकि उत्थे किसी नाल बैठे बंद गोलियां नहीं वजिया है, वेखो कद नाल बैठा एक मगर बैठा। तो वैसे ये कहें कि जी AN-94 राइफल हैगी है जो चलती है तो हेठा उत्ते वाइब्रेट करती है, तो जे बंदा कोई अनजान हैगा तो मैं लगता नहीं भी वो इन्नी शक्तिशाली गन जी 600 राउंड फायर एक मिनट च करती है जो उन्हें चला की समर्था रखता होगा। डेफिनेटली उन्हें किसी सोर्स तो ये मतलब ट्रेनिंग भी ली है जो आप रशिया गया जो कोई क्लब ज्वाइन किया ज उन्हें भारत से किसी की मदद ली है, आने वाले दिनों ये गल का भी खुलासा शायद हो। एक बार थानू बेनती कर देवां कि अगर तुसी साडे चैनल ते अज नवे हो ते हाले तक साडा चैनल फॉलो नहीं किया तां कृपा करके इसनू फॉलो कर लो तां कि जदों भी असी कोई वीडियो पाईए तां तुहानू उसका पता लग सके। साडियां खबरां साडा तरद्दद साडियां कोशिशां अगर तुहानू चंगीआं लगदियां तां इहनां नू अपने दोस्तां दे नाल बाकी ग्रुपां दे विच शेयर जरूर करो।